महाभारत में शकुनी का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता गोफी पेंटल अब इस दुनिया में नहीं रहे। गोफी पेंटल के निधन से सिनेमा और कला जगत में एक शोक की लहर है। आपको बता दें कि वैसे तो गोफी पेंटल ने अभिनय के लिहाज से कई फिल्में की हैं, कई सीरियल्स की हैं, यही नहीं वो थिएटर के एक बहुत बड़े मंझे हुए आर्टिस्ट भी रहे। लेकिन जिस किरदार ने उन्हें अमर कर दिया वो था महाभारत में शकुनी का किरदार। एक सबसे खास बात आपको बताते हैं उनके किरदार से जुड़ी हुई। शकुनी के इस किरदार में वो लंगड़ाते हुए चलते हुए दिखते हैं। जी हाँ, महाभारत में उनकी लुक्स, उनके लंगड़ा कर चलने को एक सिग्नेचर स्टाइल माना गया। लेकिन आपको बता दें कि इतिहास में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि शकुनी मामा लंगड़े थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि गोफी पेंटल हमेशा लंगड़ाते हुए क्यों दिखाई देते थे? तो आपको बता दें कि एक बीमारी वजह थी। दरअसल महाभारत सीरियल के कास्टिंग डायरेक्टर भी गोफी पेंटल थे। शकुनी के रोल के लिए जब कई स्क्रीन टेस्ट के बाद भी कोई फाइनल नहीं हो पा रहा था तो क्रू मेंबर्स ने ये सजेस्ट किया कि ये रोल गोफी पेंटल को ही निभाना चाहिए। गोफी पेंटल उस वक्त कूल्हे की हड्डी के दर्द से गुजर रहे थे, इसके लिए उन्हें एक बड़ी सर्जरी कराने के लिए बोला गया था। लेकिन उन्होंने ये बात बताई और कहा कि अगर मैं सर्जरी कराता हूँ तो रोल प्ले नहीं कर पाऊंगा, और अगर रोल प्ले करता हूँ तो फिर तो मुझे लंगड़ा कर ही चलना होगा। ऐसे में टीम ने कहा कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं, आप लंगड़ा कर चलिए। ऐसे में गोफी पेंटल दरअसल सिचुएशनल लंगड़ा कर चलने लगे और ये उनके कैरेक्टर का हिस्सा बन गया। ये उनके किरदार का एक ऐसा हिस्सा बन गया जो दशकों तक अब तक लोगों के जहन में बसा हुआ है। गोफी पेंटल ने शकुनी का किरदार अदा किया, लिहाजा लोग उन्हें एक बड़ा विलन मानते थे, लेकिन वो एक बेहद सज्जन और विनम्र इंसान थे। बॉलीवुड में उनकी गहरी दोस्ती थी, लिहाजा उनके निधन ने लोगों को सदमे में डाल दिया है और कोई गोफी पेंटल को याद कर रहा है। आज तक डिजिटल की तरफ से गोफी पेंटल को श्रद्धांजलि।